तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताना था दोस्तों कि आप अपने मोबाइल के क्रोम में डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन कैसे लाएं। तो दोस्तों इसके लिए पूरा वीडियो लास्ट देखें। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को इम्प्रेस करें। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार का न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का न्यू इंटरफेस ओपन होने के बाद दोस्तों ऊपर में आपको राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा या दोस्तों यहाँ पे आपको एरो का निशान दिखेगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे एरो का निशान दिखेगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे एरो के निशान पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार का न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का न्यू इंटरफेस ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन मतलब ऑप्शन पे लाना है आपको मोबाइल को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन के देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स है। तो दोस्तों इस बॉक्स पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल का है वो डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन मतलब क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल डेस्कटॉप साइड में हो गया। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको क्रोम में जो भी मतलब सर्च या कुछ करना तो इस प्रकार से आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक है, बाकी थैंक यू दोस्तों।